नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर प्रस्तावित हवाई अड्डा के निर्माण के विरोध को लेकर है। झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले बोरियों के झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम की अगुवाई में हजारों की संख्या में आदिवासियों ने गुरुवार को रैली निकालकर साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड अंतर्गत पहाड़पुर पीर दरगाह के समीप कैरासोल पंचायत में प्रस्तावित हवाई अड्डा निर्माण कार्य पर विरोध जताया है। अपनी ही पार्टी की सरकार को चुनौती देते हुए जान देंगे जमीन नहीं देंगे के नारों के साथ रैली निकालकर गुरुवार को समाहरणालय के समीप जनसभा आयोजित की। रैली पुलिस लाइन के समीप से निकाली गई, जिसमें परंपरागत ढोल नगाड़े तीर धनुष और हथियार के साथ बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के महिला और पुरुष शामिल हुए। रैली विकास भवन रोड होते हुए समाहरणालय तक पहुंची। इस दौरान हेमंत सोरेन हाय हाय लेकिन शिबू सोरेन के नारे लगाए गए, आदिवासियों की जमीन हड़पना बंद करो जैसे कई नारे भी लगाए गए। आदिवासी महिला के हाथों में भी स्लोगन लिखे तख्तियां व बैनर दिखा। रैली समाहरणालय के समीप पहुंचकर एक जनसभा में तब्दील हो गया। जनसभा की अध्यक्षता विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने की। इस दौरान विधायक लोबिन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केवल साहिबगंज में ही नहीं पूरे संथाल परगना में आदिवासियों की जंगल जमीन की लूट हो रही है, जिसे हम आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका खुलकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा के नाम पर आदिवासियों की जमीन को छीनने की साजिश हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि दुमका में हवाई अड्डा बना क्या हुआ, न ही हवाई जहाज आता जाता है और न ही किसी को रोजगार ही मिला। हाँ, आदिवासियों की जमीन जरूर उससे छीन ली गई, अब इस साजिश को यहाँ के आदिवासी लोग मिलकर सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासी और मूल वासियों की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन और सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर एसपीटी एक्ट सहित अन्य स्थानीय कानून को लागू करने की मांग को लेकर उपायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में लोबिन हेम्ब्रम ने और क्या कहा, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहिबगंज। यहाँ पर पीर दरगाह हवाई अड्डा जो प्रस्तावित है उसका विरोध में है। हवाई अड्डा यहाँ नहीं बने और उसके साथ साथ यहाँ का जल जंगल जमीन कैसे बचेगा, यहाँ का पर्यावरण कैसे बचेगा, उसके विरोध में है। इतना जंगल कट रहा है और यहाँ पर जो आदिवासी लोग जो उसका खतियानी जमीन है, रैयती जमीन है, यहाँ पैसा एक्ट है, फिर भी यहाँ पर आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है। अभी सड़क के किनारे किनारे आप देख रहे हैं, एकड़ों एकड़ में 10 एकड़ 15 एकड़ जमीन लोग रह रहे हैं। ये क्यों इस तरह से हो रहा है? आज यहाँ पर एसपीटी एक्ट रहने के बाद भी, हमारी सरकार होने के बाद भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी, हमारे मंत्री आदिवासी और हमारे राज्य में, हमारी सरकार में आज ये सारा चीज आदिवासियों का स्थिति खतरे में है। इसलिए आज ये विरोध की मांग, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और खास करके ये हवाई अड्डा और ये बंदरगाह के नाम पर इतने गांव जो उजड़ रहे हैं, हवाई अड्डे के नाम पर इतने गांव जो उजड़ेंगे, आखिर वो कहां जाएंगे? आदिवासी जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेगा। इसीलिए उसके अगेंस्ट हम लोग ने ये रैली लेकर आ रहे हैं और हम लोग सरकार को आईना दिखा रहे हैं और प्रशासन को भी हम लोग आईना दिखा रहे हैं कि कम से कम ये सब चीज बचे। तो आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री सरकार है, हमारी मुख्यमंत्री है, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, मैं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हूँ। तो यहाँ हमारी सरकार में अगर कानून को ताक पर रख करके काम किया जाएगा तो क्या लोबिन हमारा चुप बैठेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। हम सरकार में है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन हमारी सरकार में भी हमारी जमीन लूटी जा रही है, हमारे यहाँ जंगल लूटा जा रहा है। अरे जल जंगल की जमीन लड़ाई वाली पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। आज ये ट्रैक से बाहर हो गई है और यहाँ पर जल जंगल जमीन कट रहा है, रैयत की जमीन जो यहाँ एसपीटी एक्ट की जमीन है, यहाँ पैसा एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ। तो ये सारा मुद्दा है। यहाँ तो अभी बंदरगाह में कितने गांव उजड़ रहे हैं और हवाई अड्डा में उतर जाए, आखिर ये कहाँ जाएंगे? केवल आदिवासी की बात नहीं है, यहाँ जितने लोग हैं जिसका खतियान है आज वो सारे लोग उजड़ रहे हैं। इसके लिए क्या व्यवस्था है सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो? इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं कि यहाँ पर हमारा जमीन बचा हुआ रहे, हमारा अस्तित्व बचा हुआ रहे और हवाई अड्डा यहाँ नहीं बने।